हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है ससुराल में समझदारी से कैसे रहें। दोस्तों, ये वीडियो सभी लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाली है और जितने भी नई बहू हैं उनके लिए भी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट से शुरू से ही ज़्यादा काम ना करें। दोस्तों, ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो सीधी सादी होती हैं ससुराल में अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए, अच्छी बहू बनने के लिए शुरू से ही ज़्यादा काम करती हैं। लेकिन एक समय ऐसा उनके जीवन में आता है जब वो माँ बनने वाली होती हैं, तो उस समय उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से कभी उनका जी काम करने को नहीं करता है, वो थोड़ा वीकनेस फील करती हैं। तो उस समय में उसकी परिस्थिति को उस समय कोई समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शुरू से जो है ये आदत डाल चुकी रहती है ससुराल वालों के लोगों के साथ कि वो सारा काम खुद कर लेगी, तो लोगों को काम करने की आदत नहीं रहती है। तो फिर उस समय उससे सभी अपेक्षा करते हैं कि वो समय भी वो काम करे। मतलब कि शुरू से जैसा आप व्यवहार बनाती हैं, जैसा काम करती हैं, तो आपको हमेशा उसी तरह से लोग चाहते हैं कि आप ये काम करें। और अगर आप ये काम नहीं करती हैं जो आप पहले क्या करती थी, तो लोगों के मन में आपके प्रति गलत विचारधारणाएं उत्पन्न होने लगती है कि अब बहू बदल गई है या पहले जैसी बात नहीं रही बहुत सारे। तो इसलिए शुरू से ही आप नपा तोला काम करें और ये समझ लें कि आप एक बहू हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारा काम आपको ही करना है। आपको शुरू से ही नपा तोला ही काम करना, ज़्यादा नहीं करना। हो सके तो आप किसी की हेल्प लें, प्यार से ही ले कि देवर जी थोड़ा सा ये काम कर दीजिए, ननद जी थोड़ा सा ये काम कर दीजिए। तो इस तरह से अगर आप हेल्प लेती हैं किसी से, प्यार से, वाणी इतनी मीठी रखिए कि आपकी बात को कोई टाल ना सके। तो मतलब कि शुरू से ही ऐसी आपको हैबिट रखनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप बहुरानी कम और नौकरानी ज़्यादा लगोगी और बनकर रह जाओगी। तो इसलिए शुरू से ही कम काम करने की आदत डालें, जो कि आप बैलेंस बनाते हुए हमेशा आप मतलब उस पर कायम रह सकोगे और ससुराल के लोगों को भी ये समझ में आएगा कि इससे इतना ही काम होता है। नहीं तो फिर वो समझेंगे ये तो कर लेती है, तो सारे अपनी जो काम होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी आप पे डालते चले जाएंगे। फिर आप पे काम का बोझ बढ़ जाएगा, फिर चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाएगा, झुंझुलाहट आ जाएगा और फिर आप ससुराल में आपको रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शुरू से ही मतलब थोड़ा सा धैर्य के साथ, चलाकी के साथ, समझदारी के साथ आप शुरुआत करें। सेकेंड पॉइंट से कि ससुराल के लोगों को समझे, पहले वाच करें, उन्हें देखे कि सासू माँ का व्यवहार आपके साथ कैसा है, वो क्या खाना पसंद करती हैं, वो कैसे रहती हैं, फिर आपकी सिस्टर इन लॉ ननद है वो कैसी हैं, देवर कैसे हैं, जेठानी कैसी है, ससुर जी कैसे हैं। तो सभी को आप वाच करें, क्योंकि आप जब नई बहू बन के किसी घर में जाती हैं तो आपको भी वाच किया जाता है। आपकी हर एक एक्टिविटी पे लोग नज़र रखते हैं, देखते हैं कि आप कैसे बोलती हैं, कैसे खाना सर्व करती हैं, कैसे पहन ओढ़ कर रहती हैं, कैसे कितनी सफाई का ख्याल रखती हैं आप, मतलब हर चीज़। तो उसी तरह आपको भी देखना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उन लोगों को समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा उन लोगों को समझेगी वहाँ उस माहौल में रहना आपके लिए आसान हो जाएगा और उनके साथ वैसा व्यवहार करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आपको के अंदर कोई टैलेंट है भी तो आपको कुछ बनाने आता भी है तो वहाँ कहें कि मुझे आप लोगों के जैसा अच्छा खाना बनाना, आप लोगों के जैसा बनाना नहीं आता है, प्लीज़ मुझे सिखाएं। और सीखने की कोशिश करें, आपको जैसा आता है, आपके मायके में जो पसंद किया जाता था वो अलग बात है, अब यहाँ के बारे में यहाँ के हिसाब से जो लोगों को पसंद है वो काम करें। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने टैलेंट को छुपा के रखें, एक कच्ची मिट्टी की तरह रहें कि उसे किसी भी रूप में ढाला जा सके। लेकिन हाँ, अपना खास ध्यान रखें और फिर मतलब कि आपको गंभीर रहना है, जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलना है, इन सभी बातों का खास ध्यान रखना है।
थर्ड पॉइंट है कि शांत दिमाग से काम लें। जैसे कि हम जितना शांत रहते हैं, धैर्य रखते हैं, उतना अच्छी तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। किसी कंपटीशन को फेस करते हैं तो हम जितना शांत रहकर मन एकाग्रचित करके पढ़ते हैं तो हमारा मन लगता है। उसी तरह ससुराल में भी आपको वहाँ रहना है, बसना है, तो वहाँ भी जो है आपको शांत मन से और बहुत दिमाग का यूज करके आपको रहना है कि पति से हमें कैसे बात करनी। ये नहीं कि वो हमारे पति हैं तो उनसे हम कैसे भी बात कर लें, नहीं, उन्हें भी रिस्पेक्ट से बात करनी है और मीठी वाणी से बात करनी है, प्यार से बात करनी है, जिससे कि वो आपकी बातें सुने, और कम से कम बात करना है उनके सामने भी। फिर अपने फैमिली ससुराल वालों के साथ भी ऐसे ही बिहेव करना है और बहुत शांत दिमाग से काम लेना है कि किसी भी तरह का आपको कोई मतलब झुंझुलाहट ना हो, आपको चिल्लाने की आवश्यकता ना हो, बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस से वहाँ पे रहना है कि कोई आपका मजाक ना उड़ा पाए, कोई आपको कुछ भला बुरा ना कह सके। पहले से ही थोड़ा सा मतलब सावधान रहने की कोशिश करें, नहीं तो फिर थोड़ी सी आपकी लापरवाही, जैसे आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं शुरू शुरू में और उस काम से फिर आपको परेशानी हो रही है, तो कहीं गलती से ना चाहते हुए भी आपके मुख से कभी कभी ऐसा निकल जाता है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, जो कि सबको सुनने में अच्छा नहीं लगता है और आपकी बेइज्जती हो जाती है और आप हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए सभी की नज़रों से गिर जाती हैं। तो शुरुआती दौर में ही आपको इन सभी बातों का खास ख्याल रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, हेल्थ का भी, खाते पीते रहना, खुश रहना है ताकि आपसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। चौथा पॉइंट है कि चुपचाप काम ना करें, चलाकी से ना कहने की आदत डालें शुरू से ही। जैसे कि फर्स्ट रसोई है तो आपको पूरा परिवार का लंबा चौड़ा परिवार है, 14-15 परिवार है, बाहर से भी कुछ लोग आने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे चुपचाप काम नहीं करना है। पहले ही अगर आपको काम नहीं आता है, आता भी है तो आपको प्रेम से कह देना है कि सासूमा मैंने इतना काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जानती, आप लोग मेरी हेल्प करें, रिक्वेस्ट करनी है प्यार से। तो इस तरह से क्या होगा, लोग आपका सहयोग करेंगे और आप कहेंगे मैं कर लूँगी, तो फिर आपको ही करना पड़ेगा, उसमें गलतियाँ हो जाएंगी और उस गलती से फिर अनेक को बातें मतलब ससुराल में ऐसी ऐसी बातें होने लगेंगी जो फिर बहुत सिचुएशन ख़राब हो जाएगा। इसलिए शुरू से ही मतलब आप चलाकी से ना कहने की आदत डाल लें कि लगे नहीं कि आप डायरेक्टली मना कर रही हैं, लेकिन हाँ दिमाग से काम लें कि ना कहने की आदत डाल लें कि मुझसे इतना नहीं होगा। और रसोईया है तो रसोईया ये नहीं कि अब मुझसे हो जाएगा तो पूरा परिवार का खाना बनाने लगें, तो वैसा नहीं करना है थोड़ा सा, क्योंकि आप जितना काम करती हो, जैसा मतलब रहती हो ससुराल में शुरू में, वैसे ही आपको लोग लोगों का नज़रिया, ससुराल वालों का नज़रिया आपके प्रति हो जाता है कि अरे भाभी मेरी तो कुछ भी खा लेती है, या कोई भी काम कहें तो ना नहीं करती है, तो चलो इन्हीं से करा लिया जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी अपनी भी कुछ लाइफ है, तो आपको भी अपना कुछ मकसद है, जीवन भर काम करना नहीं, हर लड़की आजकल चाहती है कुछ करना, तो इसलिए आपको शुरू से थोड़ी सी मतलब अपने लिए सोचना चाहिए। 5 पॉइंट से कि अपने हेल्थ का, ब्यूटी का ध्यान रखें। ससुराल है तो ये नहीं कि अब सबों को खिलाकर हम खाएंगे, तो ऐसे में अगर लेट हो जाता है तो आपको वीकनेस फील होता है, तो उसमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो जब लड़की होती है मायके में तो हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहती हैं, अब ससुराल में सबको खिलाने के बाद खाती, लेट से खाती है तो उन्हें भूख लगती है, भूख की वजह से दिमागी संतुलन भी ख़राब होता है, तो हमारा हेल्थ अगर ख़राब होता है तो हम थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है, झुंझुलाहट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे ससुराल के लिए, रिश्ते के लिए बहुत ख़राब हो जाता है। इसलिए अपने हेल्थ, आपका वहाँ कोई हेल्थ का ध्यान रखने वाला नहीं होगा, इसलिए आपको कोई देखे या ना देखे आपको भी अपने हेल्थ का ध्यान रखना है और खाते पीते रहना है, ब्रेक ले लेके खाते रहना, वहाँ कोई आपको नहीं कहेगा कि बहू तुम ये काम कर लियो जाओ थोड़ा सा खा लो, नहीं, आपको खुद ब्रेक लेनी होगी कि माँ जी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है और कुछ पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए। जैसे बड़े परिवार में होता है कि आधे घंटे तक खड़े होकर रोटी बनानी पड़ती है, तो वैसे में आप थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेके आधा गिलास पानी पी सकती हैं, 2 बिस्किट खा सकती हैं कि थोड़ा सा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, कुछ भी आप अपना ख्याल खुद रखें।
तो इस तरह से थोड़ा सा आपको अपना हेल्थ का ध्यान और ब्यूटी का भी ख्याल रखिए। यानी कि बहुत ज़्यादा काम है, ससुराल है तो नेल पेंट नहीं लगाए हैं, बाल नहीं झा रहे हैं, ऐसे ही हैं तो नहीं। आपकी नई शादी हुई है तो आपको थोड़ा सा बन ठन कर भी रहना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप बहुरानी कम नौकरानी ज़्यादा लगेंगी। तो आपको अपना कोई आपको कहने नहीं आएगा कि बहू तुम थोड़ा सा मेकअप कर लो, ये कर लो। आपको खुद मेकअप करके रहना है, और मतलब कि ड्रेसअप भी ऐसा पहनना है जिसमें आप खूबसूरत लोग, अच्छा लोगो। थोड़ा अपने आप पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी इच्छा को ना दबाएं। जैसे आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, पढ़ाई आगे करनी है, तो इस इच्छा को इसलिए ना दबाएं क्योंकि आप एक लड़की हैं, एक बहू बन गई हैं, तो आपकी घर की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको अपनी लाइफ के लिए, लाइफ को में कुछ करने के लिए कुछ बचता नहीं है। इसलिए आपको अभी ही समय है, आप अपनी इच्छा जाहिर करो और उस काम में आप लग जाओ, देर नहीं हो जाए कहीं। इस बात का खास ध्यान रखें, अगर लाइफ में करियर बनाना है, कुछ करना है, तो आप शुरू से ही उस इच्छा को जाहिर करो। 7 पॉइंट से कि अंदर से मजबूत बनो। बहुत सारी लड़कियां बहू ऐसी होती हैं कि सासू माँ ने दो शब्द क्या कह दिए वो रोने लग जाती हैं, या फिर खाना नहीं खाती हैं, अपने पति ने कुछ कह दिया तो खाने पर ही गुस्सा उनका उतर जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका ही मतलब हेल्थ ख़राब होता है। तो आप अंदर से इतना मजबूत बने कि ऊपर से आपको कोई कुछ कितना भी कह सुनाए, आपको कुछ अंदर से बुरा फील ना हो, अंदर से आपका जो कॉन्फिडेंस है या जो भी शक्ति है वो कम ना हो, और आप खाए पिए और खुश रहें, और किसी भी बात को हंसकर उड़ा दें। जैसे कि आप बहुत सारे लोग हैं और आप वहाँ खा नहीं पा रही हैं, तो आप वहाँ कुछ खा लीजिए, मुंह में डाल लीजिए, लोग देख रहे हैं कोई बात नहीं, लोग बोलेंगे कि बहू ये खा ली, कोई बात नहीं, लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। आप अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, खा के तुरंत पानी पी लीजिए, जिसको जो सोचना है कहना है कहने दीजिए, क्योंकि लाइफ आपकी है और आपको अगर कुछ होता है तो फिर ये फिर आपको ही झेलना पड़ता है। लड़कियों को भी जीवन में बहुत सारे कुछ करने पड़ते हैं, जिससे उससे भी पावर की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप लड़की हैं तो आप कम खाओगी तो भी सारा काम कर लोगी, नहीं, आपका भी एक शरीर है। तो अपने आप को एक इंसान और शरीर समझो, और खुद को मजबूत बनाओ, और किसी भी बात को दिल पे मत लो, कहने का मतलब है। इस बात का आप खास ध्यान रखो, ज़्यादा दूसरों की फिक्र ना करो कि मैं नहीं रहूँगी तो क्या होगा। आप पहले भी नहीं थी तो काम हो रहा था, आप आ गई हैं तो आप आई हैं तो बहू बनकर आई हैं, ना कि एक नौकरानी बनकर आई हैं। तो आपको ये चीज़ समझना है और ज़रूरत के अनुसार तालमेल बैठाकर मिलजुल कर काम करने की आदत डालिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।